तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। इस सोच राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से फील होता है। देखा इस, मैं ना सोच रहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि अभी गाड़ी लेने का मतलब सबसे बढ़िया टाइम कब होगा। दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, साथ ही साथ ईयर एंड होने वाला है, तो बढ़िया बढ़िया डील्स कैसे मिल सकती हैं उस पर मेरे को बता देना। खैर गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि 2024 यानी कि अपने 3-4 महीने भी बचे हैं, इनमें वो कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आप लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए? अगर खरीदोगे तो आप लोग बेवकूफ़ से कम नहीं होगा। ऐसा आई एम सॉरी, बेवकूफ मैं भी हो सकता हूं, पर मतलब एक आप बेवकूफ नहीं होंगे क्योंकि आप ये वीडियो देखने लग रहे हो। खैर ठीक है, जोक से पार्ट गाइस, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी गाड़ियां बताने वाला हूं जिसको आप मत खरीदेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कौन से शहर से इस वीडियो को देखने लग रहे हो वो भी अगर लिख के बता दोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले की जो गाड़ी है, मैं आपको 3 गाड़ियां बता देता हूं। टाटा पंच का जो अपडेटेड मॉडल आया, इसको मत परचेज करिएगा। 6,13,000 रुपए से स्टार्ट तो बेशक है ये, पर देखिए हम ना इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पे लुक्स गाड़ी के बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। टाटा पंच को आप अपडेटेड फीचर्स के साथ तो ले आओगे, पर जो बाहर के लुक्स हैं वो आपकी गाड़ी को 3 से 4 साल ओल्ड बना देंगे। अब 2-3 दिन बाद आपका पड़ोसी नई गाड़ी ले आता है, आपने 2-3 दिन पहले ली है, फीचर सेम है दोनों गाड़ियों में, पर चूंकि लुक्स आपके ओल्ड है तो वो गाड़ी 4 साल 5 साल पुरानी हो जाएगी। इसलिए टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 का अपडेटेड मॉडल आने वाला है, मत खरीदिएगा। हाँ, अगर हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं आपको या फिर आपको इस लुक्स से संतुष्टि है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पड़ोसी क्या बोलेगा, क्या चीज है, या फिर आपकी गाड़ी के लुक्स 4-5 साल पुराने हो जाते हैं, तो आप ये खरीद सकते हैं। पर फिर भी आइसिंग ऑन द केक, एक बार टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च होने दो, आपको यही वाली जो गाड़ी है ये और भी अच्छे डिस्काउंट्स पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। गाइस, सेकंड आ जाती है अपनी मारुति सुजुकी डिजायर फेसलिफ्ट 2024। अब देखिए, डिजायर फेसलिफ्ट 2024 है वो लॉन्च होने वाली है। टीवीसी शूट के दौरान जो है गाड़ी देखी गई थी, हमने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दी है इसमें। अब गाड़ी का टीवीसी शूट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो लॉन्च होने वाली है, तभी उसका टीवीसी शूट होने लग रहा है। तो अभी की जो डिजायर है इसको प्लीज भूल के भी मत खरीदिएगा। मुश्किल से लगा लो 2 हफ्ते बाद जो गाड़ी है ये आप लोगों को दिखी जाएगी सड़कों पे। हाँ, अगेन वापस, अगर आप इसके लुक्स के साथ खुश हैं और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता लुक्स वगैरह से, तो रुक जाइए। डिजायर फेसलिफ्ट आने के बाद इस पे भी जो मॉडल पे आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, बट अगर एक आप डिजायर के न्यू कस्टमर हैं तो मत जाइएगा। गाड़ी के जो है फेसलिफ्ट 2024 बहुत ही लगा लो पास में खड़ा है, नजदीक में खड़ा है, तो वेट कर लीजिए उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अपनी होंडा जो अमेज है, इसका भी फेसलिफ्ट ऑन द वे है। होंडा अमेज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, तो भूल के भी अभी वाली होंडा अमेज मत खरीदिएगा। हाँ, अगर ऐसे टैक्सी पर्पस वगैरह के लिए आपको चाहिए या आप बिजनेस ओन करते हैं जिनका टैक्सी का बिजनेस है, वो लोग खरीद के इस गाड़ी को लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छे डिस्काउंट्स पे होंडा अमेज जो है अभी हम लोगों को देखने मिल रही है। MG ग्लॉस्टर का फेसलिफ्ट ऑन द वे है। फॉर्च्यूनर का बजट है या आप इस बजट की गाड़ी लेना चाहते हैं, रुक जाइए, MG ग्लॉस्टर जो है ये वाली तो डिस्काउंट्स मिलने ही वाली है आप लोगों को, साथ ही साथ MG ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट जो है वो भी बहुत जल्दी में देखने मिलेगी। तो ये थे फेसलिफ्ट, मैंने आपको सबसे पहले बता दिए, 4 फेसलिफ्ट आने वाले हैं तो वेट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं वो गाड़ियां जिनका फेसलिफ्ट नहीं आने वाला। सबसे पहली टाटा अल्ट्रोज रेसर, टॉप मॉडल 13 लाख का, टाटा नेक्सॉन का इंजन लगा के इस गाड़ी को दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से कुछ भी वर्थ नहीं है गाड़ी लेना, 13 लाख में आप टाटा की ही कोई अच्छी गाड़ी ले सकते हो, नेक्सॉन के हाई एंड वेरिएंट्स ले सकते हो, टाटा कर्व ले सकते हो। तो टाटा अल्ट्रोज रेसर में वही इंजन है, छोटी हैचबैक में इंजन लगा के बड़ी वाली गाड़ी का ये लोग देने लग रहे हैं अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी का, मत लीजिएगा, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। 13 लाख रुपए या फिर उससे कम प्राइस में आप लोग टाटा नेक्सॉन में सेम वही इंजन जो आपको देखने को मिलता है। सेकंड आ जाती है अपनी रेनॉल्ट किगर। देखिए, रेनॉल्ट किगर जो है नो डाउट अच्छी गाड़ी थी, कंपनी की एक बड़ी मिस्टेक थी कि इन लोगों ने कम प्राइस में प्रीमियम फील देने के चक्कर में इस गाड़ी के अंदर बहुत ही चीप क्वालिटी का जो मटेरियल है वो यूज कर दिया। कोई फेसलिफ्ट नहीं आया, कॉस्ट कटिंग हुई बहुत ज्यादा, इसकी वजह से ये गाड़ी चल नहीं पा रही है ज्यादा। इन्हीं की कंपटीटर निसान मैग्नाइट अच्छी खासी चल रही है, उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है, तो निसान मैग्नाइट का भी वेट कर लीजिएगा, फेसलिफ्ट इज ऑन दी वे, 3-4 अक्टूबर के आसपास जो है फेसलिफ्ट आ जाएगा। अच्छा गाइस, रेनॉल्ट किगर के बजट में आपको XUV 3XO मिलती है, ब्रेजा के साथ अर्बानो पैक मिलता है, नेक्सॉन पे भी भारी डिस्काउंट्स हैं, तो आप लोग एक सेगमेंट ऊपर जा सकते हैं। ये एंट्री लेवल की कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और दूसरी चीज गाइस, चूंकि अभी अपनी रेनॉल्ट की कोई खास गाड़ियां चल नहीं रही इंडिया में, तो शायद से कंपनी कभी भी एग्जिट मार सकती है, ऐसा सोचा जा रहा है। एग्जिट मारने के बाद आप खुद सोच सकते हो कि आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, तो इस गाड़ी से आप लोग थोड़ा सा अभी बच के रहिएगा, गैप ले लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है मेरी सिट्रॉन के पास C3 एयरक्रॉस, C3 दो गाड़ियां हैं, चलाने में फन टू ड्राइव है, नो डाउट ड्राइवर्स कार है, बट गाइस इन गाड़ियों की सेल बहुत डामाडोल है। अब सेल्स डामाडोल देखते हुए कंपनी अपनी सिट्रॉन बसार्ट ले आती है 7,99,000 के प्राइस में। एक ऐसा सेगमेंट कंपनी ने कवर करा, 4 मीटर से लंबी गाड़ी इस प्राइस में कोई भी नहीं मिलती आप लोगों को, बट सिट्रॉन ने कंपटीशन देने के चक्कर में इसको 7,99,000 में खरीदा। तो C3 एयरक्रॉस, C3 मत खरीदेगा, सिट्रॉन बसार्ट पे आप लोग जा सकते हो। एंड गाइस, अगर इनकी बसार्ट भी नहीं चली तो आप लोग सोच लेगा सिट्रॉन बहुत जल्दी सुपड़ा साफ
खिलाफ होने वाला इंडिया से। एंड एक बार ये कंपनी चली जाती है, फोर्ड ने तो फिर भी अपने सर्विस सेंटर छोड़े क्योंकि एक टाइम पे अच्छी चलते थे वो लोग। सिट्रोन की कोई गाड़ी अच्छी नहीं चली तो सर्विस सेंटर नहीं, फिर दर दर भटकते रहोगे। तो मर्जी है इन तीनों गाड़ियों में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है 2024 में। उसी के साथ साथ गाइस जिमनी आ जाती है हमारी अगली गाड़ी। गाड़ी भूल के मत लीजिएगा, ये गाड़ी थाली का बैंगन है। कभी एक टाइम पे मैंने भी 14,70,000 रुपए की ली थी, आज की प्राइस की बात करें 10 लाख रुपए भी नहीं। और रीसेल वैल्यू की बात करूं तो एकदम खराब गाड़ी की रीसेल वैल्यू 8 लाख रुपए भी देके कोई राजी नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप इस गाड़ी को लोगे तो अपना पैसा फंसाओगे। बट एक चीज बताओ, ये गाड़ी कहीं की भी नहीं है, थार में इससे ज्यादा स्पेस मिलता है। थार ही आपको 10,70,000 रुपए की ऑन रोड पड़ रही है बेस मॉडल। और उसके साथ साथ रोड प्रेजेंट, इंडिया में रह रहे हो तो रोड प्रेजेंस बहुत मायने रखती है, यानी कि गाड़ी अगर बड़ी होगी तो उसकी रोड प्रेजेंस ज्यादा मानी जाती है। तो जिमनी नो डाउट ऑफ रोडिंग गाड़ी जरूर है बट इंडिया की मार्केट के लिए नहीं है। अब हम लोग इंडिया में रहते हो तो हमारा इंडियन माइंड सेट है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो जिमनी भी मत लीजिएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको चाहिए कि मुझे चाहिए तो ले लीजिएगा, लो स्पेस है इस गाड़ी में, प्राइस भी ओवर प्राइस है और 1.5 लीटर का जो इंजन है वो माइलेज भी बड़ी खराब सी देता है इसमें। मर्जी आप लोगों की। उसके बाद आ जाती है हुंडई की टुसॉन। अपनी फॉर्च्यूनर इस ही प्राइस में आती है, नो डाउट कोई भी बंदा आंख बंद करके फॉर्च्यूनर की तरफ जाएगा। तो इस गाड़ी के चक्कर में भी आप लोग मत पड़िएगा क्योंकि ये मतलब फॉर्च्यूनर ही नो डाउट इस प्राइस में आपको अच्छी मिल जाती है। सो गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी इंडिया में जितनी भी गाड़ियां हैं मेरे हिसाब से सारी की सारी अभी वैल्यू फॉर मनी है और आप लोग ले सकते हो। बट ये गाड़ियों की कुछ लिस्ट थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को जो नई गाड़ी के अपने फेसलिफ्ट आने वाले हैं वो भी बताए हैं। एंड आई होप कि आपको ये जो हमारी एक छोटी सी वीडियो हुई समझ आई हो और पसंद आई हो। बाकी ऐसी और वीडियोस देखनी हो जरूर लिख के बताएगा। बाकी फेसलिफ्ट मैं बता देता हूँ, डिजायर का आ रहा है बहुत बढ़िया वाला, टाटा पंच का आ रहा है बहुत बढ़िया, अमेज का आ रहा है बहुत बढ़िया, एंड इसी के साथ साथ जो है अपनी निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट का है आने वाला है। तो कवरेज तो हम लोग करते रहेंगे आप लोगों के लिए इन गाड़ियों की। सो गाइस विद दिस आई होप कि आपको हमारी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग आपसे जबरदस्त वीडियोस में। और हाँ, मैंने आप लोगों को एक और वीडियो से टॉपिक रिलेटेड पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट्स कैसे पा सकते हैं किसी भी गाड़ी में क्योंकि सीजन ये चलने लग रहा है अभी। तो अगर वो वाली वीडियो चाहिए तो बताएगा। वैसे कि रिस्पॉन्स जो है हमारे को अच्छा खासा मिलता है जो हम लोग लीक्स डालते हैं उन पे, बट लीक्स भी कोई कितने दिन तक डालेगा लोगों को पता होगा ना। तो थोड़ा फॉर अ चेंज हम लोगों को टॉपिक जो है चेंज करने पड़ते हैं। बाकी नीचे आप लोग लिख के बताएगा आज के टाइम पे कौन सी गाड़ी आप लोग सोचते हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है एंड उसमें जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए हर एक बंदे का सोचने का नजरिया अलग होता है। मेरे नजरिए में ये गाड़ियां थी तो मैंने इनका नाम ले दिया, बाकी आपके नजरिए में कोई और गाड़ी भी हो सकती है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करता। तो चलिए गाइस मिलेंगे आपसे कल एक और ऐसी जबरदस्त वीडियोस में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे राम राम जी लिख दीजिएगा और कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी लिख बताएगा। चलिए।